सो यो व्हाट्सअप यूट्यूब, वेलकम बैक टू माई वीडियो। तो आज की वीडियो है एक बिज़नेस पे। हमारे एक भाई हैं, उन्होंने अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट किया है, लाखों से नहीं, करोड़ों से नहीं, हज़ारों से। तो मिलवाते हैं आपको उनसे और दिखाते हैं उन्होंने कौन सा बिज़नेस स्टार्ट किया है। तो रहिए हमारे साथ। ये हैं वो भाई जिनकी हम बात कर रहे थे। तो जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। तो ये आप कौन सा बिज़नेस कर रहे हैं? मैं एक छोटा सा चप्पलों का बिज़नेस स्टार्ट किया है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जो मैंने कुछ सैंपल तैयार किए हैं इस ये वाले चप्पल से, जो घर में इंसान आम तौर पर पहनता है वॉशरूम जाने के लिए, कमरे में आने के लिए। ये वो चप्पल हैं जो मैंने छोटा सा एक बिज़नेस अपने घर पर स्टार्ट किया, अपने छत पर स्टार्ट। इसके लिए मुझे कोई जगह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे कोई फैक्ट्री खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, घर पे ही मैंने ये सब अपना स्टार्ट किया है। और जगह भी आप देख सकते हैं, ये छोटा सा मेरा छत है जहाँ पर मैंने इसको स्टार्ट किया। तो इनका हमने सुना था, बहुत हम दूर से आए हैं इनका इंटरव्यू लेने। तो अब इनका इंटरव्यू लेते हैं और बताते हैं आपको कि इन्होंने कैसे अपना सेटअप किया और कैसे स्टार्ट किया। तो जी आपका नाम? मेरा नाम अयाज भट्टी है, मैं इस्लामाबाद से बिलोंग करता हूँ। और यहीं पे आफ्टर मतलब ऑफिस टाइम के बाद मैंने सोचा कि घर में एक छोटा सा काम स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट मैंने की और एक काम मैंने स्टार्ट किया जिसका मार्केट में भी एक अच्छा रिस्पांस मुझे मिल रहा है। बाकी तो आपने कितने बजट से स्टार्ट किया है? मैंने ये 1 लाख के अंदर अंदर ही किया है। 90,000 आप कर लें, 90,000 के वो उसमें स्टार्ट। तो अब आपको देंगे मशीन का रिव्यू और दिखाते हैं कि ये मशीन कैसे काम करती है। तो अब आप बताएं कि आप कौन से इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं और कौन से चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ये स्लीपर्स बनाने? ठीक है, इसमें मुझे पहले तो एक मशीन रिक्वायर्ड थी जिस पर मैंने कटिंग करनी थी, उस पर भी हम थोड़ी देर बाद चलेंगे। और मटीरियल में मैं आपको बता दूँ कि ये शीट्स हैं जिनकी कटिंग करते हैं, और ये जो चप्पल की नीचे वाली साइड होती है ये वो शीट है। इसकी कटिंग मैं करता हूँ, अगर आप ये दिखा सकें, ये मैंने इसकी कटिंग्स करके रखी हुई है। अच्छा, इन्होंने पहले से रखा हुआ है काट के? हाँ। ये तो ये वो शीट है जिनसे स्लीपर्स बन के निकलती हैं। तो आप बता सकते हैं इसमें से कितने पेयर निकल आते हैं? 3-4 निकल आते हैं? ये जो कटिंग है ये एक पेयर है। अच्छा, लेफ्ट और राइट वाला। अच्छा अच्छा, जो कि अभी मैं आपको जाके आगे दिखाऊंगा अभी इसको कैसे कट करते हैं। ये एक पेयर है। तो ये जो आपने अभी हाथ में पकड़ा है तो इसको क्या कहते हैं? ये इंग्लिश में इसको स्ट्रिप कहते हैं, पंजाबी में इसको वदर कहते हैं। अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये अभी फिक्स लगी हुई है। अच्छा अच्छा, ये वो नीचे वाली शीट है जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई। अच्छा अच्छा, तो ये आप किस तरह इसकी डाई निकालते हैं, क्या इसका प्रोसीजर है आप? बिल्कुल, इसकी डाइज है मेरे पास 4 साइज की डाइज है, मुख्तलिफ किस्म की, जेंट्स लेडीज में भी मिलती हैं। अच्छा अच्छा, ये इसकी डाइज है मेरे पास। अच्छा अच्छा, ये सब सेटअप किए ही आपने छत पे है? बिल्कुल, ये छत पे है मेरा सारा सेटअप, ये मतलब स्टोर टाइप है और यहाँ पे रखा हुआ है इसको मैंने। तो ये एक ही साइज की डाई है? ये मुख्तलिफ साइज है, ये 10 है, ये 8 है, ये 7 है, 9 नंबर जिस पे मैं अभी काम कर रहा था वो ये पड़ी हुई है। अच्छा अच्छा, मतलब अभी कोई ऑर्डर वगैरह मिला हुआ है आपको जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं? मिल रहे हैं बिल्कुल, ये काम चल रहा है, उसको तैयार कर रहे हैं अभी साथ साथ। तो चलते हैं, अब आप हमें स्लीपर वगैरह कुछ बना के दिखाएं अपना क्या काम कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। अच्छा, उसमें मैं सबसे पहले आपको मशीन से इंट्रोड्यूस करवा दूँ। अच्छा, मशीन में सबसे पहले डाइस तो आपने इंट्रोड्यूस आपको मिल गई, डाइस मैंने आपको दिखा दूँ, इनको मैं साइड में रख देता हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने जो पहले मैंने आपको बताया था ये शीट होगी जो मैंने वहाँ से, ये मशीन जो है पड़ी, ये किधर किधर से लेके आए थे आप?
ये मशीन मैंने ऑर्डर करवाई थी सियालकोट के करीब दसका से। अच्छा अच्छा। दसका से मैं मशीन लेके आया था। अच्छा अच्छा। मैं खुद गया था पहले जाके, मैंने चेक की और उसके बाद मैंने ये मशीन ऑर्डर करवाई, उन्होंने मुझे बिल्टी करवा दी। अच्छा, बिल्टी हो कि उनके पास आ गई मशीन, किसी ने भी मतलब के अगर कोई इम्प्रेस हुआ इनका ही काम देख के तो आप भी मतलब के ऑर्डर करवा सकते हैं, और इन भाई से रब्ता करके किधर से इन्होंने मंगवाई थी और ये भी आपको ईजिली बता देंगे, तो इनका देखते हैं अब काम। तो अब आप हमें बना के दिखाएं स्लीपर्स अपने, तो हम देखते हैं। ये वो शीट जो मैंने कट करके रखी हुई थी अपने पास, इन्होंने और भी रखे हुए हैं सैंपल। ठीक है, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो डाई है इसमें एजेस होते हैं। मशीन तो हमारी लोहे की है, डाई के एजेस बचाने के लिए मैं ये नीचे ना वुड यूज करता हूँ। अच्छा। ये इसके ऊपर आप निशान भी देख पा रहे होंगे, जिस तरह देख रहे होंगे इन्होंने बहुत मेहनत की है, तो जिस तरह इनके निशान ये भी पड़े हुए हैं डाई के, डाई को नुकसान ना पहुंचे, वुड के ऊपर डाई के एजेस को नुकसान नहीं पहुंचे, डाई पे नुकसान। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ ये वुड रखना लाजमी है नीचे। हाँ, क्योंकि अगर वुड नहीं रखेंगे तो डाई एक से दो चप्पल बनाएगी, उसके बाद ये फारिग हो जाएगी, आपको नहीं लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये मैंने इसको एडजस्ट किया इसके ऊपर, ये मैंने इसको अंदर इसके मैं फिक्स कर रहा हूँ। पहले ये मशीन होती थी मैनुअल, अभी आ गई ऑटो। सॉरी, आप ये इसकी मोटर दिखा देने कि अब ये ऑटो है। ये अब ऑटो है, मुश्किल कोई भी नहीं है, इजी काम है, बिल्कुल बहुत इजी काम है, ऑटो मशीन है ये। उसके बाद ना इसकी एडजस्टमेंट है थोड़ी, जो कटिंग के तौर कटिंग के टाइम पे आपको करनी पड़ेगी। ये जिसमें मैंने तो भी निशान लगाया हूं, मैं अगर इनका कैमरा दिखा सके तो। हां, ये इन्होंने निशान वगैरह, मैंने निशान लगाया हूं, मैं अभी इस पे एडजस्ट करना पड़ता है इसको। ओके, आई थिंक अब रेडी है। इसके साथ ही स्विचेस हैं, वो चेक कर अगर आप दिखा सके तो, ये स्विच है। हाँ, आप आगे ये बटन है जिससे मशीन अभी चलेगी और आपकी डाई सेकंड्स के अंदर अंदर तैयार हो जाती है। ये चेक कर सकते हैं, ये देखें, ये कटिंग, ये देखें इजीली ये मतलब के निकल आई है, बांध के एक हिसाब से तैयार हो गई है जी, एक साथ रेडी है। इसके फिनिशिंग देख लें आप, फिनिशिंग देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारे किस्म की हो गई है। तो अब इसमें वो तैयार करें इसको, अब इसी को मतलब कि पूरी कर दें। ठीक जी। अच्छा, अब इसमें आप देख सकते हैं कि हल्का फुल्का थोड़ा रह गया है, उसके लिए एक बफ मशीन है। अब ये बफ मशीन से आपको इसका ये अब आप देख सकते हैं, जो थोड़ा बहुत रह गया था वो भी कंप्लीट, बहुत प्यारी फिनिशिंग है। चलो ठीक है, अब इसके स्ट्रिप्स बदरियाँ, जिसको हम पंजाबी में बदरियाँ कहते हैं, अच्छा वो उसमें उसको डालने के लिए, इस साइड पे इसका बफ है, इस साइड पे इसकी स्ट्रिप्स के लिए, स्ट्रिप्स के लिए हमें इसे भी फिनिशिंग के लिए ज़रूरत होती है। ठीक है, अब मैं आपको इसमें स्ट्रिप्स डालने का तरीका बताता हूँ। ये सब कुछ इसी मशीन के ऊपर मौजूद है, सब कुछ इसी के ऊपर, कटिंग इसके ऊपर है, बफिंग इसके ऊपर है, और इसकी जो स्ट्रिप्स डालने के लिए, स्ट्रिप्स के होल की फिनिशिंग के लिए, वो भी इसके ऊपर तक मौजूद है, मशीन, बफरिंग, स्ट्रिप होल, फिनिशिंग। ठीक है, अब लास्ट में आपको ले कर चलते हैं स्ट्रिप्स डालनी कैसे है इसके अंदर। ये भी इसी में मौजूद है, ये भी इसी मशीन के अंदर मौजूद है, ये जो है ना बहुत ही सिंपल। ये हमने अपनी चप्पल इसके अंदर की, ये इसको प्रेस किया, ये तो देख सकते हैं वो फिट हो गई। हमने तैयार, तो देख सकते हैं आपके सामने बहुत प्यारी सी चप्पल तैयार होगी घर में पहनने के लिए। ये कितनी देर में एक पेयर तैयार हो जाता है? 2 से 3 मिनट में एक पेयर तैयार हो जाता है। अच्छा, 2 से 3 मिनट में एक पेयर तैयार हो जाता है। अच्छा, तो जैसा कि आपने देखा ये कितनी इंटरेस्टिंग सी मशीन है, और आप भी ऐसे शुरू कर सकते हैं,
ये जैसे ये बाई करते हैं, सुबह जॉब से फ्री हो गए दोपहर को, शाम को ये कर लिया, आपका अपना एक बिजनेस होगा, इसको आप करें। और जो बाई मशीन नहीं अफोर्ड कर सकते, और नीचे स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप भाई से रब्ता करें और डजन्स में इनसे आप लें पीसेस और आगे सेल करें। ये भाई अब आपको बताते हैं कि ये कैसे देंगे। जी बहुत ही मुनासिब मिलेंगे मार्केट के रेट में से, जो मार्केट रेट चल रहा है उस रेट से आपको बहुत ही मुनासिब मिलेंगे मेरे पास से, ठीक है। और उसके बाद ये देखेंगे, अभी शाम का टाइम ही है कि जो मैंने भी काम स्टार्ट किया था, तो ये मेरे पास भाई आ गए हैं। अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ, इसके अंदर ना ये मशीन के साथ नहीं आता, इसके अंदर मैंने खुद एक लाइट फिक्स की हुई है, ये देखें इसके अंदर में एक छोटी सी एलईडी लाइट फिक्स देख रहा मैं, इसमें लाइट भी है कि देखें शाम के टाइम काम करते हैं, इन्होंने खुद ही लाइट अंदर फिट की है ये, जैसा कि आप देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कि मैंने आपको दिखा दी लाइट। हाँ सही है। और इधर मैंने एक साइट पे चीज देखी है जिस पे आपने एक लोगो प्रिंट किया हुआ है सॉफ्टवेयर, तो ये क्या चीज है ये भी बता। बिल्कुल, ये एक छोटी सी डाई है, जैसे कि आमतौर पे हमारे जूतों के ऊपर लिखा होता है समथिंग नाइक, कोई भी लोगो बना होता है, कोई भी प्रिंट आप बनाना चाहते हैं उसके ऊपर, तो इस डाई की मदद से आप अपने जूते के ऊपर प्रिंट दे सकते हैं। ये इस हालत में होता है जब हम इसको इसके ऊपर रखते हैं और इंक के साथ हम इसके ऊपर ये प्रिंट दे सकते हैं, ये देख सकते हैं आप। हाँ जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। सॉफ्ट वेयरिंग मेरा एक प्लान है, इसको जो है ना मैं सॉफ्ट वेयरिंग के नाम से इसको सेल कर रहा। अच्छा अच्छा, सेल कर रहे हैं सॉफ्ट वेयरिंग के नाम से। अच्छा अच्छा, जिन लोगों ने भी रब्ता करना है भाई से, आपने बाय करनी है, तो आप नीचे स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप व्हाट्सएप से इनसे रब्ता करें, और होम वेयरिंग के लिए भी लें, और अगर आपने सेल करनी है तब भी ले लें। वो भाई कह रहे हैं मैं आपको बिल्कुल मुनासिब रेट पे दे दूंगा, मार्केट रेट से बहुत कम। तो भाई फिर आप बताएं कि अगर किसी ने ऑर्डर करवानी है। जी बिल्कुल, किसी ने ऑर्डर करवानी है तो वो रब्ता करें मुझसे, और जितनी भी करवानी है उसके मुताबिक उनको मिल जाएंगी डिलीवरी, मेरे पास आए ले कर जानी है या डिलीवर करवानी है, जो भी फैसिलिटी मिल चाहिए वो मिल जाएगी उन्हें। तो मार्केट के प्राइस से आप किस लिहाज से देंगे? मार्केट प्राइस के लिहाज से ये मेरी जो ये कम से कम 50% लेस है, 50-60% लेस है। तो देख सकते हैं आप, भाई ने आपको कितनी अच्छी ऑफर दी है, इस ऑफर को एक्सेप्ट करें और अपना ओन बिजनेस स्टार्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत शुक्रिया।